हेलो एवरीवन, तो इधर इनके पापा आ गए हैं ड्यूटी से। आज तो इनकी नाइट ड्यूटी, तो ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं और उनके पापा हैं। तो रिद्धि किससे मांग रही हैं अपनी सिस्टर से, लेकिन किसी को नहीं दे रही हैं, वो अपने पापा को दे दे रही हैं। तो इस तरह ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं आ जाती हूँ किचन में, तो मैं आज जो मतलब चने भिगोए रहते हैं उनका जड़ हल्का निकल गया है, मैं उसका ही आज हल्का नाश्ता बनाऊँगी। जी हाँ, जो चने प्याज टमाटर मिर्चा सब काट करके उसको बारीक एकदम बारीक काट लिया जाता है, उसके बाद जो चने रहते हैं धुल के अच्छे से उसमें मिला करके धनिया भी, कुछ लोग धनिया पाउडर भी डालते हैं काला नमक, लेकिन मैं यहाँ सिंपल काला नमक डालूँगी और नींबू निचोड़ के। तो देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया है, फिर इसी में हमें मिला देना है और नींबू, आधा नींबू मैं इसमें निचोड़ दूँगी अच्छे से। तो यही बच्चे रिद्धि भी खाएँगी, मैं भी खाऊँगी और इनके पापा भी। तो आजकल यही चल रहा है, एक दो दिन बीच बीच में नाश्ते में। तो इधर रिद्धि कर रही है इंजॉय, रिद्धि को बहुत पसंद आया था, बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। ये बहुत हेल्दी चने होते हैं, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर बच्चे इस चने को खाते हैं तो उनका पेट भरा रहता है। देखिए चना ऐसी चीज़ होती है ना कि शरीर में फ़ायदा भी करता है, और जो बच्चे नाटक करते हैं खाना वाना खाने में, अगर वो चना खाते हैं तो माँ को चिंताएँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चना काफ़ी देर तक पेट में रहता है और काम करता है अपना। तो इधर वो पढ़ रहे हैं पेपर, पेपर पढ़ते हुए चना खाएंगे। तो इधर चल रही है रिद्धि की मस्ती, देख रही है मोटू पतलू, और मैं भी खा रही हूँ चने। माई चैनल, तो हम आ चुके हैं सुल्तानपुर में। जी हाँ, अपने से प्यारे से छोटे से घर में। जी हाँ, ये सरकारी क्वार्टर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो सरकारी हो या अपना हो या किराए पे हो, लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं, जो अपना घर होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बस यहाँ आ गए हैं, लेकिन मैं दो दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। दो दिन पहले ही मैं आ गई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी, सर्दी जुकाम बुखार जो मौसमी बुखार चला नहीं है वही मुझे हो गया था। इस रीजन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, मतलब डेली रूटीन ब्लॉग से रिलेटेड। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है मुझे बैक। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से स्टार्ट किया जाए मॉर्निंग में। तो अभी हम लोगों ने, जी हाँ, चना खाया था। जैसे मैंने बताया कि टमाटर प्याज काट के सारा डाल के बनाते हैं वो, तो सब लोगों ने यही खाया आज। और लंच भी मैंने चढ़ा दिया है, जिसमें मैं बना रही हूँ बैगन आलू की रसेदार सब्जी, चावल और रोटी। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर नहाए वहाएंगे। और क्योंकि झाड़ू और पोछा मैं सुबह 7 बजे उठी थी तभी मैंने कर दिया था, लेकिन रिद्धि स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि बारिश होने लगी थी। सब मैंने रेडी कर दिया था रिद्धि को, लेकिन अचानक बारिश होने लगी, तो टुक टुक को भी लिए हुए मैं कैसे जाती छोड़ने, इस वजह से रिद्धि नहीं गई है स्कूल। तो जब नहीं गई तो सुबह जब उठे थे तो तभी मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था। तो सब रेडी है, चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी, थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे, हस्बैंड जी हैं, तो उसके बाद फिर लंच करेंगे। तो ऐसा चलेगा मेरा डे। तो फिर बाहर बारिश का मौसम आजकल चल रहा है, लेकिन कहते नहीं है ठंडा नहीं हो रहा मौसम, बहुत उमस टाइप का हो जाता है, जैसे ही बारिश होती है तो धूप निकल आती है, यही वाला चल रहा है। तो यही मौसम लोगों को भी तबीयत पे इफेक्ट करता है, तो आप लोग भी बच के रहिए। और आज है ललई छठ, तो आप लोगों को ललई छठ की बहुत बहुत बधाई हो। भाई मेरे पास तो लड़का है नहीं, सुना है मैंने लड़कों का ये व्रत होता है। तो फिर चलिए चलते हैं चाय पीने। तो इधर पानी वाला आ गया है, आज सुबह ही सुबह पानी वाले आ गए पानी देने के लिए, वरना तो दोपहर या शाम में आते हैं। और इधर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, और इसमें अदरक डाल दूँगी, इलायची अदरक, चाय पत्ती, चीनी, दूध। तो इधर मेरी चाय हो गई रेडी और मैं लेके अंदर आ गई हूँ। ऊपर से मैंने मलाई डाला हुआ है, जो दूध की ऊपर जो मलाई जम जाती है वही थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को इस तरीके से पीना।
वगैरह पी लिए हैं, सब काम भी हो गया है और गर्मा गर्म मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। रोटी बना के रख दूंगी, मैं आ गई हूँ किचन में। और टुक टुक रिद्धि देख रहे हैं टीवी और उनके पापा सो गए हैं क्योंकि वो चना खाए थे जो मैंने चना बनाया हुआ था। तो अब मैं चल रही हूँ गर्मा गर्म रोटी बना के कस्टॉल में रख दूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी नहाने क्योंकि हस्बैंड जी इसलिए सो रहे हैं क्योंकि वो नाइट ड्यूटी पे थे तो आके चना खाए थे। फिर कहे हम नहा धो के सो गए हैं, वो कहे हैं दोपहर में मैं खाना खाऊंगा तो मुझे उठा देना। तो इस तरीके से तो मैं हूँ किचन में, तो मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटी बनाने। जी हाँ, तो किचन में सब फैला हुआ है, इधर उधर चावल बना के जो रखा है वो भी है, दाल भी है, तो सब मैं हटा के साइड वाले टेबल पे रखूंगी। और जो इधर बर्तन वगैरह जूठे फैले हैं वो सब भी मैं हटा लूंगी, धुलने के लिए रख दूंगी और अच्छे से पोछ लूंगी। तो सुबह मेरे हस्बैंड ने जो सामान घर में ख़त्म था वो ड्यूटी से आते वक्त लेते आए थे आज, तो चीनी और बेसन और दाल अरहर की ख़त्म थी तो वो लेते आए, मैं डब्बे में सारे रख दूंगी। मेरे यहाँ मंथली राशन नहीं आता, जो जैसे ख़त्म होता जाता है वैसे वो सामान आता जाता है। ऐसा नहीं कि 3 किलो 4 किलो, कभी कभी 1-1 किलो या 1.5 किलो 2 किलो ऐसे में आता है, तो कोई फिक्स नहीं रहता है हमारे यहाँ कि इकट्ठा राशन मंगाएं, जो जैसा ख़त्म होता है वैसा आता है। तो इसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी गर्मा गर्म। तो इधर दूध वाला भी आ गया था तो दूध मैं गरम कर रही हूँ, मैंने सोचा दूध गरम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नहा के हम आ गए हैं, मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस पाउडर लगाया क्योंकि मुझे हो गया है पिंपल, दाने निकलने लग गए हैं जब से आए हैं। कमर की तो बैंड बजी हुई है, क्या बताऊं। और घर इतना ज्यादा गंदा हो गया था ना, 6 6 से 7 दिन के लिए मैं गई थी राखी में तो पूरा एकदम से। और पीछे तो आप लोग जानते हैं जैसा कि पीछे जो आंगन था उसको हम लोगों ने टीना छा करके किचन बनाया है क्योंकि सरकारी क्वार्टर में किचन नहीं मिलता है, केवल दो एक छोटा सा रूम बन मिलता है और एक बड़ा रूम, तो चाहे आप उसे किचन बना लीजिए चाहे रहने के लिए। तो हम लोगों ने उसको स्टडी रूम बना दिया था और सबसे पीछे जो आंगन मिला था उसमें हम लोगों ने छा के किचन बना दिया था क्योंकि खुला रखना भी सेफ नहीं था इस वजह से। तो वहाँ पे पानी वगैरह चूता है कई जगह से पीने से, पूरा घर में गंदगी हो गई थी। तो ये सब करते करते कमर की एकदम से बैंड बज गई, कमर दर्द हो रहा था। और प्लस बेड पे जो ये बिछा है गद्दा फोम वाला वो हम लोगों ने लिया था, कितने साल हो गए, 4 से 5 साल पहले हम लोगों ने ये लिया था। 4 साल, यस 4 साल हो रहे, 3 3 या 4 साल हो रहे तब लिया था। तो 10,000 में दोनों था, ज्यादा महंगा नहीं लिया था, सस्ता ही लिया था। तो मैंने जो होटलों में होता है ना बैठो तो गद्दा मतलब घुस जाता है, तो वैसा वाला मैंने सोच के लिया था ये वाला गद्दा। लेकिन जब भी मैं इस पे लेटती हूँ तो मेरा कमर दर्द होता है इतना ज्यादा, तो जो सोचो वैसा होता नहीं है, कुछ और ही हो जाता है। इससे ये मुझे पता चल गया कि जो होटलों में गद्दे होते हैं वो कुछ देर के लिए आराम के लिए अच्छे हैं, 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन जब जहाँ आपको रहना है, जहाँ पे आपको जानते हैं कि यहीं पे रहना है यहीं सब चीज करना है, तो वहां अगर ऐसे गद्दे बेड पे डालते हैं तो फिर कमर की शरीर की दोनों की बैंड अच्छे से बसती है, आराम तो मिलता है। लेकिन जब पूरा आप सुबह रात से सुबह जब सो के उठते हैं तो इतना बदन दर्द होता है कि पूछिए मत। तो क्या किया था हम लोगों ने, दिमाग लगाया, गद्दे को दो थे गद्दे तो एक गद्दे को तो फोल्ड करके रख दिया, दूसरे गद्दे को मैंने सोचा बीच से काट देते हैं, तो हम लोगों ने बीच से 2 लेयर में काट दिया ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए ना दर्द हो। तब भी दर्द हो ही रहा है, कोई आराम नहीं मिला क्योंकि इधर से उधर उधर से इधर होने में मतलब मेरे मायके में ऐसे फॉर्म वाले गद्दे नहीं है। किस वजह से, क्योंकि पापा को कमर की दिक्कत है, भैया को, तो वो लोग केवल गद्दे पे ही
लेटते हैं फॉर्म वाले गद्दे पे नहीं, जो मार्केट में मिलते हैं। तो इस वजह से मायके जाना या ससुराल में भी मेरे जो बेड पे लगा है वो टाइट वाला गद्दा है, वो दबता नहीं है, उस पे भी दर्द नहीं होता है। बस यही मैंने ऐसा कर रखा था। तो जब भी मैं मायके या ससुराल जाती हूँ फिर वहां से आती हूँ तो मुझे कमर का दर्द का दिक्कत होने लग जाता है। लेकिन क्या करे, क्या किया जा सकता है, तो उसको इस तरह ही चल रहा है काम। लेकिन अब जल्द ही इसको भी हटाएंगे क्योंकि आराम नहीं मिल रहा है। अब मैं सोच रही हूँ टाइट वाले जो फॉर्म आते हैं वो वाला मैं गद्दा मतलब बेड पे ले लूँ, तो वही वाला लेंगे आप। बाकी नहा के आ गए हैं और अब जाऊंगी मैं लंच करने। तो इधर टुक टुक और जी हाँ उनके पापा दोनों सो रहे हैं और रिद्धि रिद्धि स्कूल नहीं गई है, ड्रामा कर रही है ना सोने का। क्यों नहीं स्कूल गई, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, छाता लेके चले जाना चाहिए था। छाता कहाँ है? हाँ छाता है तो आपने देखा ही नहीं। हाँ, बस स्कूल जाने को ना मिले। हाँ तो रिद्धि सुबह ही नहा ली थी, स्कूल जाती है तो नहा के जाती है, लेकिन एंड टाइम पे बारिश होने लगी और मेरे कमर में इतना पेन हो रहा था, टुक टुक भी थी, तो जिस एरिया से जाते हैं वहाँ थोड़ा सा मट्टी वगैरह है, तो और ऊपर से खुला भी नहीं बारिश, तो इस वजह से नहीं गई। तो बैठ के मोटू पतलू देख रही है। अब मैं लंच करूंगी, लंच करने के बाद रिद्धि को थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर थोड़ा। तो आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करेंगे। हाँ सबसे जरूरी बात कि मेरा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या मेरी बातें अच्छी लगती है या जो मैं वर्क करती हूँ वो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे दाहिने हाथ में लिखा रहता है सब्सक्राइब लाल रंग का, उसको बस टच करना रहता है, मतलब उंगली से दबा दीजिए और कुछ नहीं करना रहता है। हाँ सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्ज नहीं करता है, कटता है, केवल वो फ्री रहता है, तो आप उसे बस दबा सकते हैं। अगर आपको लगता है उसका कोई पैसा ऐसा कट रहा है तो ऐसा कुछ नहीं, आपका कुछ जाएगा नहीं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि अगर कोई कुछ मुझे जो लगता है, मैं भी कई लोगों को सब्सक्राइब की हुई हूँ, तो जो मुझे पसंद आते हैं मैंने उनको उनको किया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है मेरा मिडिल क्लास डेली रूटीन ब्लॉग है जिसमें एवरीथिंग चीजें मेकअप से लेकर के हेल्थ से लेकर के जो भी जानकारी की चीजें होती है मैं सब आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको कहीं जाने की जरूरत ना हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं उनको उतनी ज्यादा जानकारी दे सकूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं सब लाने की कोशिश करती हूँ और भी लाऊंगी नई नई चीजें। तो अगर कोई कुछ अपने जीवन में करना चाहता है या कुछ करने का ठानता है या कुछ अलग करना चाहता है तो उसको प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना या किसी के सपोर्ट के बिना कोई आगे बढ़ नहीं पाता है। हाँ कुछ लोग होते हैं अकेले कुछ कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, जैसा कि है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट और इतने मेरे सब्सक्राइबर उनके लिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर ले मुझे, उन सबको बड़ा वाला थैंक्स। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन। और वंस अगेन फिर से आज है ललई छठ, तो उन सभी माओं को मेरी तरफ से हैप्पी ललई छठ। तो फिर बाय बाय।